हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे मैथ सीखने के कुछ सरल आसान टिप्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि उनको कौन सा विषय सबसे कठिन लगता है तो सबसे पहले उत्तर होगा मैथ्स। जी हाँ, वो हमेशा गणित का ही विषय आपको बताएंगे, जिसको लेकर छात्रों के मन में एक अलग सा डर बना हुआ रहता है। और अक्सर छात्रों की ये शिकायत भी रहती है कि हम मैथ्स चाहे कितना भी पढ़ लें लेकिन ना तो समझ में आता है और ना ही रिजल्ट में कभी अच्छे मार्क्स आते हैं। और यही कारण होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं टेंथ में मैथ्स पढ़ने के बाद इलेवेंथ में यानी कि आगे की कक्षाओं में मैथ्स को लेना पसंद नहीं करते हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में कि हम मैथ्स को कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं और आगे फ्यूचर में मैथ्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि अन्य विषयों की तरह गणित भी एक भाषा है जो कि अंक पर आधारित होती है, तो फिर गणित समझना एकदम आसान हो जाता है क्योंकि अंकों को व्यवस्थित रूप से समझना ही तो भाषा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मैथ्स को आसानी से समझा जा सकता है और मैथ्स के सवालों को आसानी से कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले टिप होती है कि आप ये समझें कि मैथ्स क्या है। जैसा मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि मैथ्स क्या है, मैथ्स है अंकों का व्यवस्थित रूप। उसके बाद हमेशा मैथ्स को क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पहला चैप्टर किया तो फिर तीसरा कर लिया, सीक्वेंस में यानी कि जो बेस ऑन आपके चैप्टर्स होते हैं एक दूसरे के साथ जो लिंक करते हैं उनके थ्रू ही हमें पढ़ना चाहिए। और हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हमने दो तीन सवाल कर लिया फिर छोड़ दिया, कंटिन्यू हमें उसको प्रैक्टिस में रखना चाहिए, अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, खुद से अध्ययन करना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपके ट्यूशन टीचर ने, एकेडमी टीचर ने, क्लास टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने आपको सवाल समझाए हैं, सम कोई समझाया है, तो उसे सीक्वेंस में रखने के बाद उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हैं ट्यूशन्स में, स्कूल में हम थोड़ी देर के लिए एक या दो सवाल ही कर पाते हैं तो बच्चे बस वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, घर पर खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फार्मूलाज हमेशा याद रखने चाहिए। फार्मूलाज के जो आधार पे कोई बेस पे कोई सवाल होता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना चाहिए। फार्मूला हमेशा याद करने चाहिए। और याद करने की सबसे अच्छी टिप्स होती है कि आप जिस रूम में बैठे हैं जहाँ स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फार्मूलाज के चार्ट बना के लगा सकते हैं। और ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ आपकी नज़र हमेशा पड़ती रहे ताकि चार्ट पे नज़र पड़े तो आप फार्मूला अच्छे से याद कर सकते हैं। कभी भी मैथ्स को रटना नहीं चाहिए कि बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं सवाल टीचर ने सॉल्व कर दिया तो उसको पढ़ने बैठ गए, तो मैथ्स कभी पढ़ा नहीं जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है। और कोशिश करें कि मैथ्स को ग्रुप में करें। ग्रुप इन द सेंस, अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि भीड़ भाड़ लगा लो। ग्रुप का मतलब होता है कि आप अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लो जिसमें दो या तीन आपके फ्रेंड हो सकते हैं या घर में आपके भाई बहनों के साथ आप करें। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम क्लास के हों, बस ये होता है कि आप कोशिश करें कि अगर आप सेवन्थ में हैं तो एट्थ के ग्रुप के साथ या एट्थ का आपके घर में कोई भाई बहन पढ़ रहा हो या नाइन्थ का कोई पढ़ रहा हो उनके साथ बैठ के सम सॉल्व करें। एक छोटे से ग्रुप में पढ़ना ज़रूरी होता है मैथ्स का। उससे क्या होता है, क्रॉस चेकिंग होती है और अच्छे से अच्छे और भी तरीके से आप मैथ्स सीख सकते हैं। तो बस यही है कि बाकी चीज़ों को तो आप रट सकते हैं मगर मैथ्स को सिर्फ समझना होता है, उसे रटना नहीं होता है। तो बात मैंने इस वीडियो में करी कि मैथ्स को कितनी आसानी से आप समझ सकते हैं और उसे कभी भूल नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिक्स सेवन्थ का जो मैथ्स होता है वो डिपेंड करता है छोटी क्लासेस के ऊपर, यानी कि आपका जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। और सिक्स सेवन्थ एट्थ का मैथ्स जो होता है वो आपका बेस बना होता है नाइन्थ और टेंथ क्लास के लिए। इसी तरह से नाइन्थ और टेंथ के जो मैथ्स होता है वो इलेवंथ और ट्वेल्थ में जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उसका बेस होता है। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया सीक्वेंस, यानी कि आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए, यानी कि जो चैप्टर एक दूसरे से लिंक करना है करता है उसी के ऊपर आधार रखकर मैथ्स को सीखना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।
मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इन टिप्स को फॉलो करेंगे। एक बार करके ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि इन टिप्स से आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप मैथ्स को यानी गणित को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी टिप्स लेके आती रहूँ जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होती हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, फिर मिलते हैं कुछ नया और ख़ास लेके। जब तक ओके टाटा बाय बाय नमस्ते।